इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं और एक वीडियो ये वाली जो है वो एक सीरीज होने वाली है। तो इस सीरीज में हम ड्रोन के बारे में डिस्कस करेंगे और जो भी परेशानियां मुझे आई थी ड्रोन बनाने के टाइम, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो इसमें जितने भी ड्रोन्स के रिलेटेड पार्ट्स होते हैं वो सारे पार्ट्स कवर हो जाएंगे और आप कैसे उसको असेंबल कर सकते हैं और कैसे एक अच्छा सा फ्लाइट टाइम भी पा सकते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो सीरीज में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सारे कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि अगर आप एक ड्रोन बनाना चाहते हैं तो आप ड्रोन बनाने के लिए आपको कौन कौन से कंपोनेंट की ज़रूरत होगी और वो कंपोनेंट आपको महंगे वाले ख़रीदने चाहिए या सस्ते वाले ख़रीदने चाहिए, आपको केवल एक बार बनाना है या फिर उसको बिल्ड को बनाने के बाद फिर उसको अपग्रेड भी करना है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ ड्रोन, देखिए ड्रोन तो मैक्सिमम दो ही प्रकार के होते हैं। एक होता है रेसिंग ड्रोन जिसकी स्पीड बहुत ही हाई होती है, जो लोग आप देखते होंगे सिनेमेटिक शूट जो होता है हाई स्पीड में, वो रेसिंग ड्रोन के थ्रू शूट होता है। और एक सिनेमेटिक ड्रोन आते हैं, जो DJI के ड्रोन आते हैं वो सिनेमेटिक ड्रोन आते हैं, और जो हम लोग बिल्ड करते हैं वो इन्हीं के बीच का एक कॉम्बो होता है कि थोड़ा सा रेसिंग भी होता है थोड़ा सा सिनेमेटिक भी होता है। अगर हम उस पर कैमरा लगा दें तो एक तरह से सिनेमेटिक ड्रोन हो जाता है, और कैमरा ना लगाएं तो रेसिंग ड्रोन की तरह फास्ट तो नहीं होता है लेकिन फिर भी वो एक अच्छी खासी स्पीड में वो हवर करता है और उड़ता है। तो हम केवल बात इसमें सिनेमेटिक ड्रोन की ही करेंगे, रेसिंग ड्रोन की हम बात एकदम नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रो लेवल की बातें हो जाती हैं, फिर उसको कंट्रोल करना बहुत ही हार्ड होता है। आप नॉर्मल उसको अगर बिगिनर है तो एकदम कंट्रोल नहीं कर सकते, और यदि आप थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं ड्रोन के बारे में तो आप उसको उड़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। पॉइंट वन है साइज ऑफ ड्रोन। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपका ड्रोन का साइज़ क्या होगा। जैसे आपका जो ड्रोन आप बनाने जा रहे हैं, आप बिगनर हैं और आपको एक ड्रोन बनाना है, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपकी ड्रोन की साइज़ क्या होगी। जैसे मिनिमम अगर बात करें तो 250 साइज आता है। जैसे ये हम एक साइज़ मान लीजिए कि ये 450 का ड्रोन है, तो इसकी जो मैक्सिमम साइज़ होगी यानी इस मोटर से लेकर इस मोटर की साइज होगी वो उसकी mm में आएगी। तो अगर 250 mm का लेंगे तो इससे हाफ हो जाएगा, 550 का लेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये जो साइज़ है वो 450 mm है। तो मैक्सिमम 4-5 सी साइज स्टैंडर्ड आती हैं, तो पहले हो गई 250, 350, 450 और 550। तो यही ड्रोन होते हैं जो स्टैंडर्ड लोग इसको बिल्ड करते हैं, पाँच छः ड्रोन के साइज़ जो हैं वो मैक्सिमम लोग बिल्ड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ फ्रेम। आप एक ड्रोन बना रहे हैं और आपके पास केवल दो चॉइसें हैं, या तो एक कार्बन फाइबर फ्रेम आता है और या तो एक प्लास्टिक फ्रेम आता है। तो ये देखिए, ये जो है ये एक प्लास्टिक फ्रेम है। यदि आप बिगनर हैं और आपको लगता है कि हमसे ड्रोन बहुत बार गिरेगा या गिर के टूट भी सकता है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप कार्बन फाइबर की तरफ जाइए, क्योंकि अगर वो गिरता भी है तो टूटेगा नहीं जल्दी। और प्लास्टिक की तरफ जाएंगे, अगर कुछ ज़्यादा ऊंचाई से गिरा तो वो टूट भी सकता है। तो ये आपके ऊपर है कि आपका अगर बजट आपको अलाउ करता है तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आप कार्बन फाइबर की तरफ बढ़ें, और अगर बजट नहीं है तो आप प्लास्टिक से भी यूज़ कर सकते हैं। बस प्लास्टिक बॉडी में यही ध्यान रखिएगा कि अगर वो गिरेगा तो फिर उसमें कुछ ना कुछ डैमेज ज़रूर होता है, और सबसे पहले लैंडिंग गियर ही टूटती है। अगर प्लास्टिक बॉडी लेंगे तो ये देखिए, इस तरह की कुछ लैंडिंग गियर इसकी आती है प्लास्टिक बॉडी में, तो सबसे पहले अगर ये लैंडिंग की तरफ गिरा तो सबसे पहले यही टूटते हैं। उसके बाद प्रोपेलर तो सेकंड नंबर पे, लेकिन सबसे पहले लैंडिंग गियर ही टूटते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है हमारा ब्रशलेस मोटर। अब आप ड्रोन का फ्रेम भी डिसाइड कर लिए, ड्रोन की साइज़ भी डिसाइड कर लिए, तो अब बात आती है कि ड्रोन में मोटर कौन सा लगाएंगे। तो मोटर भी दो ही प्रकार के आते हैं, एक जेनरिक मोटर होते हैं येलो कलर के इस तरह वाले, और इनके ऊपर एक अडाप्टर लगता है प्रोपेलर अडाप्टर, या तो आप ये ले सकते हैं या तो ब्रांडेड आते हैं जिनके ऊपर प्रोपेलर नहीं होता और डायरेक्ट उसमें जो प्रोपेलर है वो कस जाता है नट के थ्रू। तो ये थोड़े सस्ते आते हैं, 250-300 के आसपास ये मिल जाएंगे, 350 के आसपास, और वो 600-650-700 से उनकी स्टार्टिंग होती है। तो इनमें और उनमें अंतर क्या है कि यदि आपको केवल पहली बार ड्रोन बनाना है कि बना दिया उड़ा दिया फिर उसके बाद हमने उसको रख लिया उसका कोई काम नहीं है, तब तो आप ये खरीद सकते हैं। लेकिन अब आप उससे को बना के उसके बाद फिर सोचेंगे कि इसमें हमें कैमरा कैमरा भी इसमें इंस्टॉल कर लें, तो फिर ये वाले जो मोटर है वो थोड़ी दिक्कत करते हैं क्योंकि ये बैलेंस नहीं होते हैं, ठीक है। और ये शाफ्ट जो है वो थोड़ी सी ऊपर होके
प्रोपेलर घूमता है तो ये वाइब्रेट बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आप इसको बना भी लेंगे ना तो ये वाइब्रेट इतना ज़्यादा करेंगे, आप कैमरा उस पर लगाएंगे तो वो जिटर टाइप कुछ फ्लक्चुएशन टाइप आती है वीडियो में। तो अगर आप केवल पहली बार बना रहे हैं कि बस आपको बना के रख लेना है तो आप ये मोटर यूज़ कर सकते हैं सस्ती वाली। और यदि आपको उसको नेक्स्ट लेवल यानी अपग्रेड भी करना है उस पर कैमरा या फिर कुछ और अपग्रेड करना है तो आप मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप उसको बढ़िया वाली मोटर लें, क्योंकि एक बार ही खर्चा होगा, बार बार खर्चा नहीं होगा। ये मोटर के बहुत होता है कि हीट होने के बाद इसका मैग्नेट जो है ना, यहाँ पे जो मैग्नेट कॉइल होती है पूरी, ये मैग्नेट कभी कभी छूट जाता है तो फ्लाइट टाइम में ही पूरा आपका डोर नीचे आके गिर जाएगा। तो ये लोकल वाली एसी में, अरे लोकल वाले मोटर में ये प्रॉब्लम होती है थोड़ी। ये सस्ते होते हैं लेकिन वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके बाद मोटर में आती है केवी रेटिंग। आपने फ्रेम डिसाइड कर लिया, अब उसी फ्रेम के हिसाब से आपकी केवी रेटिंग होगी। यदि आपका फ्रेम थोड़ा ज़्यादा बड़ा है यानी 450 या 550 है तो आपको केवी रेटिंग कम रखनी होगी, 1000 से नीचे रखनी होगी। और यदि आपका जो फ्रेम साइज है वो अगर छोटा है 220 है या 250 है तो आपको केवी रेटिंग हाई रखनी होगी। तो केवी रेटिंग के हिसाब से आपको, तो फ्रेम के हिसाब से आपको केवी रेटिंग मोटर की सेलेक्ट करनी है। फोर्थ पॉइंट है हमारा ESC यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। अब आप मोटर को कंट्रोल करने के लिए ESC भी एक यूज करेंगे तो ESC भी मार्केट में दो तरह की आती है, एक जेनेरिक ESC, जो जेनेरिक ESC होती है वो कुछ इस तरह से दिखती है, ये लाल और पीले कलर के, इसमें सिमोंक जो है सिमोंक फॉर्म में इसमें अपलोड होता है। और एक आती है आपकी ब्रांडेड BL हेली वाली, तो ये वाली 350 मोटर के ही प्राइस के रेंज में ये भी मिलती है और ये थोड़ी सस्ती होती है। उसके बाद आप ESC की रेटिंग भी देख लीजिएगा, ये 30 एम्पियर, 25 एम्पियर, 10 एम्पियर, अलग अलग एम्पियर में आती हैं। तो जिस तरह से आपका लोड रहेगा मैक्सिमम, कि आपका मोटर कितने एम्पियर तक लोड खींच सकता है, ये जब आप इसको बाई करेंगे तो इसके वेबसाइट पे इसका डिस्क्रिप्शन होगा। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप 5-6 एम्पियर ज़्यादा ही ESC खरीदिएगा। और उसके बाद ESC को आपको कैलिब्रेट भी करना होता है, क्योंकि अगर आप कैलिब्रेट नहीं करेंगे तो वो आपके मोटर को अलग अलग वेरियस स्पीड से चलाएगी। तो आप अगर कोई भी ESC खरीद रहे हैं उसको इंस्टॉल करने के बाद एक बार उसको कैलिब्रेशन जरूर कर लीजिएगा। अगर कैलिब्रेशन नहीं करेंगे तो आपका जो ड्रोन है वो थोड़ा बहुत हवर करने के बाद वो किसी एक डायरेक्शन में पलट जाएगा, तो इसको कैलिब्रेशन करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि प्रोपेलर साइज। अब हमने ड्रोन के हिसाब से कौन सा प्रोपेलर यूज करेंगे, तो मैक्सिमम आप जब मोटर लेंगे, जिस केवी रेटिंग का मोटर लेंगे उसके मैन्युफैक्चरर यानी उसके वेबसाइट पर ही उसका लिखा रहेगा कि आपको इसको किस केवी रेटिंग वाले मोटर को किस प्रोपेलर के साथ अटैच करना है। मैक्सिमम अगर आपके पास 1000 है तो 10 इंच का प्रोपेलर लोग यूज करते हैं और उसी के हिसाब से आपको प्रोपेलर यूज करना है। और प्रोपेलर की एक और ख़ास बात होती है कि ये अगर आप लोकल प्रोपेलर लेते हैं जो नॉर्मल 100 रुपये के मिलते हैं, 100 रुपये पेयर या 90 रुपये पेयर वाले, तो ये बैलेंस नहीं होते हैं। आपका मोटर पहले से ही फैक्ट्री से बैलेंस नहीं है और आपका प्रोपेलर भी बैलेंस नहीं है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन मिला के आपके ड्रोन को इतना हिला देंगे कि वो हवा में ही लटक जाएगा और लटकने के बाद ऐसा ऊपर नीचे गोते खाएगा कि वो सीधे पलट जाएगा। तो यदि आप लोकल मोटर खरीदते हैं तो कम से कम प्रोपेलर जो आप लेंगे उसको बैलेंस जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल काम है, बस एक इसमें से रॉड लगा के एक बार चेक कर लीजिएगा कि सीधा इस तरह से आ रहा है कि नहीं। अगर ये इस तरह से आएगा तो आपका प्रोपेलर बैलेंस है, अगर इस तरह या फिर किसी एक डायरेक्शन में ज़्यादा झुकेगा तो आप दूसरे डायरेक्शन में टेप लगा के इसको बैलेंस कर लीजिएगा, क्योंकि लोकल मोटर के साथ लोकल प्रोपेलर लगाएंगे तो वो बैलेंस नहीं आते, इसलिए आपको इसको बैलेंसिंग भी जरूर करना है। और बैलेंसिंग के बाद इसके प्रोपेलर साइज जो है वो बैटरी रेटिंग पे भी डिसाइड होते हैं, कि अगर किसी किसी मोटर में होता है कि 2S के लिए आप कोई और प्रोपेलर साइज यूज करिए, 3S के लिए कोई और प्रोपेलर साइज यूज करिए, 4S के लिए कोई और प्रोपेलर साइज यूज करिए, तो आपको एक इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो बैटरी है उसके हिसाब से भी आप प्रोपेलर चूज कर सकते हैं, कि आपको जो मोटर है वो 3S से चलेगा या 2S से चलेगा या 4S से चलेगा, उस हिसाब से उस मोटर का जो मैन्युफैक्चरर होगा वो लिखा होगा या मोटर पे ही लिखा होगा स्टिकर पे कि आपको इसको किस साइज के प्रोपेलर से किस बैटरी पे चलाना है, तो आप उसका भी खास ध्यान रखिएगा। फिर सिक्स पॉइंट है हमारा ट्रांसमीटर का। ये बहुत ही कॉमन फ्लाई स्काई का ट्रांसमीटर है, मैक्सिमम 3500-4000 में आ जाता है। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं कि आप कौन सा ट्रांसमीटर यूज कर रहे हैं, आपसे मतलब है कि आप ट्रांसमीटर में कितने चैनल यूज कर रहे हैं। ये 6 चैनल का ट्रांसमीटर है, एक सिंपली 6 चैनल का ट्रांसमीटर है। तो
तो यदि आपको ये लगता है कि मेरा जो काम है ड्रोन में वो 6 चैनल के ट्रांसमीटर से ये हो जाएगा, तो आपको उससे ज़्यादा के ऊपर के ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है चैनल के ट्रांसमीटर की। लेकिन आप फ्यूचर में अपग्रेड करना चाहेंगे, जैसे आप ड्रोन में कैमरा लगाना चाहेंगे, फिर आप कुछ उसमें LED लाइट्स लगाना चाहेंगे, फिर उस LED लाइट को रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करना चाहेंगे, फिर इस तरह के मतलब जो भी फीचर उसमें ऐड ऑन होते जाएंगे, उस हर फीचर में मान लीजिए अगर कोई फीचर है जिसके लिए आपको एक चैनल अलॉट करना है, और यदि आपके जो रिसीवर है उसमें केवल 6 ही चैनल हैं, तब तो फिर आपको दूसरा रिसीवर लेना होगा। तो इसलिए आप पहले से ही फ्यूचर डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको अगर फ्यूचर में अपग्रेड करना है, कितने चैनल अपग्रेड करना है, उस हिसाब से आप ट्रांसमीटर खरीदिएगा। ये देखिए 6 चैनल का ट्रांसमीटर है, 6 चैनल का रिसीवर है। अब इसमें हम 7वां चैनल नहीं ऐड कर सकते, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप अगर आपका काम 6 चैनल में हो जाता है तो ठीक है, आप 6 चैनल का ट्रांसमीटर खरीद सकते हैं, और यदि आपका काम 6 चैनल में नहीं होता है तो फिर आप 10 चैनल, 12 चैनल, 16 चैनल, अलग अलग चैनल वाले, या फिर कभी इसका भी एक अपग्रेड आता है उसकी, इसको आप 10 चैनल में सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इसको 10 चैनल में अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि 10 चैनल में अपग्रेड करने के बाद फिर मेरे को ये भी चाहिए 10 चैनल वाली, क्योंकि ये है मेरे पास 6 चैनल वाला। तो यही है कि आप एक बार ट्रांसमीटर को ज़रूर देख लीजिएगा कि आपको ट्रांसमीटर है वो किस तरह का रिक्वायरमेंट है, और उसकी जो फ्यूचर में जो चैनल रिक्वायरमेंट है वो क्या है, और उस हिसाब से आप ट्रांसमीटर एक अच्छा सा सेलेक्ट कर लीजिए। फिर जो 7th पॉइंट है वो हमारा लाइपो बैटरी के ऊपर है। ये बैटरियाँ थोड़ी ज़्यादा डेंजरस बैटरियाँ होती हैं, तो आपको पहले तो सेलेक्ट करना है कि हमारा कितने सेल का बैटरी होना चाहिए। ये 4 सेल की बैटरी है, 3 सेल के भी आती हैं, 2 सेल के भी आते हैं, और आपको कितने MAH की बैटरी चाहिए वो आपका फ़्लाइट टाइम डिपेंड करेगा। यदि आपको 10 मिनट का फ़्लाइट टाइम चाहिए तो 10 मिनट के आसपास का फ़्लाइट टाइम, अगर ज़्यादा फीचर आपके ड्रोन में नहीं है केवल उसको उड़ना ही है, तो हमको लगता है 2200 MAH की बैटरी आराम से 5 या 6 मिनट का फ़्लाइट टाइम दे देगी। तो आपको इस हिसाब से आपको फ़्लाइट टाइम के हिसाब से आपको बैटरी सेलेक्ट करनी है। और इन बैटरियों के लिए एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, ये बैटरी टेस्टर है, आप हमेशा इनका यूज़ करें। ये 4S है, इसमें सभी सेल दिखाता है कि आप कितने सेल, किस सेल पे क्या यूज़ कर रहे हैं, मतलब किस सेल की वोल्टेज क्या है। तो इसका यूज़ करने का यही मतलब है कि जो हमारी बैटरियां हैं वो हमेशा बैलेंस चार्ज हों और बैलेंस डिस्चार्ज हों। आपको कभी इसको अलग से चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा एक जेनरिक, कोई भी जेनरिक ब्रांडेड आप लाइपो चार्जर ही यूज करें। आपको वो घर पे बना के जो लोग चार्जर यूज करते हैं कि आप घर पे बनाए हुए चार्जर से आप इसको चार्ज करिए, तो ये बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि अगर ये फटी तो घर में आग लगने के भी चांसेस होती हैं। तो थोड़ा इसका आप लोग खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये बैटरियाँ हैं, और कभी ये ड्रोन में ऐसे ड्रोन इसको ड्रोन में ऐसे जगह फिट करिएगा कि ड्रोन अगर गिरे भी डायरेक्ट ज़मीन पर तो बैटरी के कोई डैमेज ना हो, या तो बैटरी बीच में हो ड्रोन में, जैसे ये फ्रेम है तो फ्रेम के बीच में बैटरी हो, या फ्रेम के ऊपर बैटरी हो। आप फ्रेम के नीचे अगर बैटरी लगाएंगे तो हो सकता है अगर बैटरी डैमेज हो तो उस टाइम फ्रेम ड्रोन में आग भी लग जाए। तो आप इस बात का खास ख्याल रखिएगा, और हमेशा एक टेस्टर के अपने पास रखिएगा कि इसको डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप इसको 3.2 वोल्ट या 3.3 वोल्ट के आसपास डिस्चार्ज करते हैं तो ये सेफ रहेगी, और आप 3 से नीचे जैसे जैसे जाएंगे ये बैटरी फूल जाएगी। अगर बैटरी फूल गई तो फिर वो बैटरी डेड है, वो कभी ना कभी ब्लास्ट करेगी, चाहे वो जैसे भी ब्लास्ट करे। और इसको 4.2 वोल्ट से ऊपर भी आपको नहीं ज़्यादा चार्ज करना है, क्योंकि उसके बाद भी बैटरी फूल जाएगी। तो इसका एक मिनिमम डेड रेंज है, एक टॉप रेंज है, एक डाउन रेंज है। आपको उस टॉप रेंज और डाउन रेंज के बीच में ही बैटरी को अपसाइकिल करना है, चाहे आप अपसाइकिल करें, चाहे चार्ज करें, या डाउन साइकिल करें, डिस्चार्ज करें। और एक बात कि आपको इनको जो चार्ज करना है वो 1C से ज़्यादा नहीं चार्ज करना है। 1C का मतलब होता है कि जो इस पर लिखा हुआ है MAH, यानी ये 2000 MAH, 2200 MAH लिखा हुआ है, तो आपका जो मैक्सिमम चार्जिंग करंट होगा वो 1C होगा, यानी 2.2 एम्प होगा। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपका जो चार्जर हो या तो स्टैंडर्ड चार्जर हो जो 1 एम्प के साथ चार्ज करता हो, या फिर अगर जो उसमें एम्पियर सिलेक्शन है तो आप 2.2 से ऊपर नहीं जाएंगे। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है, यानी 9th पॉइंट है, वो है फ्लाइट कंट्रोलर। जो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट ब्रेन है वो ये हमारा फ्लाइट कंट्रोलर ही है। तो फ्लाइट कंट्रोलर आप अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। आप बिगिनर हैं
आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं आती है, आपके पास बजट भी कम है, तो आप KK वाला फ्लाइट कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं। उसमें कोई आपको केवल ऑटो लेबलिंग का फीचर मिलता है और कोई फीचर नहीं मिलता है। ऑटो लेबलिंग का मतलब कि अगर आप उसको फॉरवर्ड कर देंगे तो अगर आप उसको फिर अपने पोजिशन में छोड़ देंगे तो फिर से आपको ऑटो लेबल पर हो जाएगा, यानी वो न इधर जाएगा न इधर जाएगा, वो ऑटो लेवल पे ही हवर करेगा। और हवर करने का मतलब कि वो पोजीशन भी मेंटेन नहीं रख पाएगा, वो केवल लेवल मेंटेन रख पाएगा कि ज़मीन से अगर इतने लेवल पे है तो वो लगभग ये लेवल मेंटेन कर पाएगा। तो आपका फ्लाइट कंट्रोलर है, अगर आपके पास बजट है तो आप बजट के अनुसार APM फ्लाइट कंट्रोलर हो गया, पिक्सॉक हो गया, KK हो गया, DJI का भी अलग अलग सीरीज आते हैं इनमें, नाजा की सीरीज, तो आप कोई भी फ्लाइट कंट्रोलर अच्छा सा यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये जो हमारी वीडियो की सीरीज है वो अब नेक्स्ट में भी कंटिन्यू होगी, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और नेक्स्ट में हम इसको बिल्ड करेंगे और हम एक एक स्टेप इसका बताएंगे कि आपको किस तरह से एक बिगिनर ड्रोन बिल्ड करना है और उसमें क्या क्या आप गलतियाँ कर सकते हैं उसको भी मैं बताऊँगा, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।